Assalamu Alaikum dear learners

मेहनत करने मेहनत करने के लिए वट इज रिक्वायर्ड इज अगर आप दिन में दो घंटे पढ़ते हो ना तीन घंटे पढ़ते हो तो लगातार ये तीन घंटे जो है कंटिन्यूसली आप इन तीन घंटे ये जो तीन घंटे है ना आप पढ़ रहे हो ऐसा नहीं है कि एक दिन आपने दो घंटे पढ़े और दूसरे दिन आपने एक घंटा पढ़ा और चार दिन आप नहीं पढ़ते हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा कम्पिटिशन ज्यादा है बेटा इसलिए बी स्ट्रॉग एंड बी पॉजिटिव माइडियर एंड बी कॉन्फिडेंट अपने आप पर भरोसा रखो यू कैन डू इट यू कैन डू इट एंड यू आर गोइंग टू डू इट फॉर दैट माई बेस्ट आर ऑलवेज विद यू एनी वेज वंस अगेन वेलकम टू शायद एजुकेशन पॉइंट एंड टूडे आर टॉपिक इज एज यू कैन सी ऑन द स्लाइड इन ज वाइटमिन डी तो बहुत सारा बहुत सारे कमेंट्स मुझे मिले सर हमें ऐसे ही पढ़ना है हमें एट अ टाइम सारे विटामिन को कंप्लीट नहीं करने देना है नो no. सो वॉट आई विल डू आई विल गो इन डिटेल वाइटामिन डी के बारे में पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन इसके सोर्सेस कहां कहां किन किन फूड्स में मिलता है और उनकी डिफिशंसी और इनके फंक्शंस तो आज हम ये सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करेंगे आज वाइटामिन डी है कल ई e है और फिर के है इसी तरह हम आहिस्ता आहिस्ता लेटेड भी अगर पांच छह लेक्चर इसमें लगेंगे ना तो कोई इश्यू नहीं है वाइटामिन इसको कंप्लीट करने के बाद आई विल बी टेकिंग वन मोर इंपॉर्टेंट धमाकेदार लेक्चर दैट इज एम सी क्यू सीरीज फॉर जन वाइटमिन वाइटामिन के लिए एमसीक्यूज होगा लेकिन लेटमी फिनिश फर्स्ट वाइटमिन टॉपिक एंड आफ्टर वाइटामिन वट इज वाइटामिन ब्यूटिफुल स्लाइड फॉर यू सो जब आपको नोट्स बनाने होते हैं ना इस वीडियो को पॉज करो एंड देन स्टार्ट राइटिंग तो पस फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड ट्राई टू अंडरस्टैंड देखो बेटा अगर हम वाइटमिन डी की बात करेंगे हर एक बच्चा छोटा बच्चा भी जानता है इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको बता रहे हैं सर इसका दूसरा नाम है सनशाइन विन वाई इट इज कॉल्ड सनशाइन वाइटामिन एज यू नो वी रिसीव इट फ्रॉम द सनलाइट ओके एंड इज वन ऑफ द एसेंशियल फॉर फैट सॉलोबल वाइटमिन ओके क्लियर वेरी नाइस नंबर सेकंड पे आते हैं इट होल्ड्स अ वेरी हाई सिग्निफिकेंस इन हेल्पिंग द बॉडी एब्सॉर्ब कैल्शियम तो बॉडी में अगर एब्जॉर्ब कैल्शियम होता है तो इसके लिए कौन मदद करता है ये प्रिकर्सर का काम करता है दैट्स वाइटामिन डी तो यही मैंने लिखा तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कौन सा ऐसा वाइटामिन है जो हेल्प करता है बॉडी में एब्सॉर्ब किसको कैल्शियम को करने में तो दिस इज वाइटामिन डी माइडिया व्हिच इज नेसेसरी फॉर प्रमोटिंग द बोन्स हेल्थ एंड रिमोल्डिंग ऑफ बोन्स तो प्रमोटिंग बोन बोन बनने में कैल्शियम का अच्छा मदद

कोलियो कैल्सिफेरॉल कोलियो कोलिकैल्सिफेरॉल कैल्सिफेरॉल, विच कैन बी नेचुरली प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी ये नेचुरली हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होता है एंड देर इज वन मोर फॉर्म दैट इज वाइटामिन डी टू सो वाइटामिन डी टू का कॉमन नेम क्या है बेटा इट इज एर्गो कैल्सिफेरॉल It is तो क्या याद रखा बेटा विच आर कंज्यूम्ड थ्रू द रेगुलर डाइट्री सो ये हमारे बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होता है बट इट इज टू बी टेकन वी आर डाइट वी डाइट तो कौन सा ऐसा डी का फॉर्म है जो हम डाइट्री इनटेक करते हैं दैट्स वाइटामिन डी टू सो वाइटामिन डी टू का दूसरा नाम क्या है कॉमनली नोन एज इल्सिफिर वाइटामिन डी थ्री का दूसरा नाम क्या है शबाश ऑल्सो नोन एजी कोली कैल्सिफिर दिस क्लियर एंड माई डियर वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड ओ इसको तो ज्यादा ही बढ़ गया जस्ट सेल बी यस अगर हम दूसरा दूसरा पॉइंट दूसरे पॉइंट की बात करते हैं बेटा यहां पर इंपॉर्टेंट है ये वाला कहते हैं आईज यू ऑलरेडी नो इट इज सनशाइन वाइट तो जो सनलाइट है सनलाइट में बहुत सारे रेज है और उन रेज में स्पेशली अल्ट्रावायलेट बीटा रेज यू अल्ट्रा अल्ट्रावायलिट बी आर द नेचुरल सोर्स ऑफ वाइटामिन डी सनलाइट के सारे रेज इंपॉर्टेंट नहीं है आपको ये वाला पॉइंट देखना है अल्ट्रावायलेट बी रेज आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन डी तो दो चार पॉइंट्स पहले स्लाइड्स में आपको अच्छे से नोट डाउन करके रखने हैं सारे नोट्स सारे पॉइंट्स को नोट डाउन नहीं करना है भाई अच्छे अच्छे पॉइंट्स जिनको मैं क्या करूंगा हाईलाइट करूंगा ठीक है तो चलिए दूसरी स्लाइड की ओर अगर हम

एज वेल एज इट इज अ हार्मोन नंबर सेकेंड पॉइंट देख लीजिएगा इसी तरह आप लिख लो कैल्शियम बींग द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बोन्स ये तो पता ही है कि बोनस में कौन सा मिनरल पाया जाता है कैल्शियम इज ये एब्सॉर्ब होता है हमारी बॉडी में क्यों बिकॉज प्रेजेंस ऑफ वाइटामिन डी विच इज एक्सट्रीमली बेनिफिशियल इन द नेचुरल ग्रोथ एंड रिमोल्डिंग ऑफ बोन्स बोनस के लिए कैल्शियम की जरूरत होती है कैल्शियम बॉडी में एब्सॉर्ब होता है और एब्सॉर्ब क्यों होता है बिकॉज ऑफ वाइटमिन डी तो इट इज द वाइटामिन डी दैट हेल्प आर बॉडी टू एब्सॉर्ब कैल्शियम एंड इट इज द कैल्शियम दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स गॉट मई पॉइंट यस नंबर नेक्स्ट वाइटमिन डी इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर डेंटल हेल्थ यस दांतों के लिए डेंटल हेल्थ इज वाइटमिन डी इज वेरी मच रिक्वायर्ड ये क्या करता है ये प्रिवेंट करता है शबाश इट प्रिवेंट टूथ डीके टूथ डीके को प्रिवेंट करता है कौन सो so, कल क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटमिन इज यूज टू प्रिवेंट टूथ डीके इट्स वाइटमिन डी ओके एंड लॉस ठीक है ना स्ट्रेंथन द गम्स एंड रिड्यूसेस रिस्क ऑफ एनी ओरल इन्फेक्शन इसका मतलब है ऑरल कैविटी को मेंटेन करने के लिए कोई इंफेक्शन ना हो टूथ डिके ना हो gums, uh, में प्रॉब्लम ना हो तो उसके लिए भी कौन सा वाइटामिन इंपॉर्टेंट है सर वाइटामिन डी ओके यस नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर जो वाइटामिन डी है सॉल्युबल विटामिन वाइटामिन प्लेज वाइटल रोल इन रेगुलेटिंग यस ये किडनी फंक्शन भी कंट्रोल uh, करता है रीनल रीनल जब भी टू किडनी ज एंड प्रोटेक्टिंग द किडनी फ्रॉम एनी इन्फेक्शन तो सिंपल तो सिंपल सिंपल क्या है सर वाइटमिन डी का दूसरा रोल क्या है सर ये रिनल फंक्शन रिनल फंक्शन को भी रेगुलेट करता है और जो इंफेक्शन से किडनी को बचाता है कौन वाइटामिन डी नंबर नेक्स्ट पे आते हैं बेटा वाइटामिन की रोल इन रेड्यूसिंग ओबेसिटी अगर किसी में वाइटामिन डी इट कैन डेफिनेटली रिड्यूस एंड मेंटेन योर वेट एंड इट विल रिड्यूस दी इन समझ आ गया तो ये से सारे फंक्शन आई होप बेटा फंक्शन बहुत अच्छे से आपको समझ गए आगे की नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा बहुत ज्यादा कमेंट्स मुझे मिलने चाहिए आजकल कमेंट्स काम आते हैं आजकल कमेंट्स कम आते हैं तो कमेंट्स में भी कंजूसी सब्सक्रिप्शन में भी कम कंजूसी गलत बात है यार इतनी मेहनत करते हैं इतने अच्छे से पढ़ाते हैं आपको मुझे पता है कि मैं बहुत अच्छे से पढ़ाता हूं यस ऑफ कोर्स मैं जो भी पॉइंट्स यहां पे पढ़ाता हूं ना मैं चाहता हूं कि मेरा टारगेट क्या है हर एक बच्चे को जिसको कुछ भी नहीं पता हो ना हर एक बच्चे को मेरा कंटेंट समझ आना चाहिए इतनी मेहनत करने के बाद जब सब्सक्राइब देखते हैं तो आप गायब हो जाते हो समझ आ गया जितने व्यूवर्स आते हैं ना उतने सब्सक्राइबर्स नहीं आते हैं कमेंट तो बहुत काम करते हो कमेंट में भी कुंजूसी करते हो थैंक यू सर अच्छा पढ़ाते हो नहीं थोड़ा अपने यू यू एक्सप्रेस यूर यू नो ओपिनियन रिलेटेड टू माय कंटेंट ठीक है अगर आप अच्छे से कमेंट करते हो तो मैं इससे भी कहीं ज्यादा अच्छे अच्छे वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगा आई होप बेटा करोगे करोगे ना यस ओके थैंक यू बेटा चलिए सो so, ये थे फंक्शन ऑफ वाइटामिन डी हा अब चलते हैं इसमें क्वेश्चन आ सकता है चांसेस है कौन कौन से फूड या फूड है जहां पे हम वाइटामिन डी हासिल कर सकते हैं द बॉस इज सनलाइट यस द बॉस इज सनलाइट सनलाइट इज द मेन 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 एंड मेजर सोर्स वायर फ्रॉम वी कैन गेट विटामिन डी एंड देर आर समूड जिसमें हम वाइटामिन डी को देख सकते हैं लाइक वी है आप देख सकते हो मशरूम राइट right? तो यहाँ पे आप देख सकते हो सर सीरियल में काफी तादाद में पाया जाता है ओट मील में पाया जाता है एग्जैक्टली ऑरेंज जूस में पाया जाता है सोई मिल्क में पाया जाता है एलमोंड मिल्क में पाया जाता है काउस मिल्क में पाया जाता है नट्स में पाया जाता है ठीक है ना इसी तरह हमारा एग योक है, इसी तरह हमारे पास लिवर है, लिवर है, है uh, ट्यूना एटसेट्रा तो ये सारी चीजें आपको याद रखने हैं इनमें काफी तादाद में क्या वाइटामिन डी पाया जाता है ओके द सोर्स इज क्लियर वेरी मच क्लियर सर आगे बढ़ो सर ओके okay. आर वेरी स्मार्ट ओके बट आई एम ऑल्सो स्मार्ट तो आपको मानना पड़ेगा ठीक है तो चलिए भाई डिफरें की ओर चलते हैं अगर वाइटामिन डी की डिफिशंसी होगी अगर वाइटामिन डी की डिफिशेंसी होगी तो कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं आगे बात करते हैं पहला पॉइंट देखे अगर लैक ऑफ वाइटामिन डी होगा बहुत सारे डिफेक्ट्स होंगे बेटा सबसे पहले लो बोन डेंसिटी वेरी नाइस बोन डेंसिटी या बोन्स सॉफ्ट हो जाएंगे सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स या इम्पियड मिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स डिपोजिशन ऑफ मिनरल्स होगा बोन्स में तो ये बीमारी है ठीक है अब ये दीज डिफेंसी में है डिजीज अगर विटामिन डी की डिफेंसी होगी तो क्या क्या कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं आप ये देख सकते हो बच्चों में खासकर रिकेट्स तो ये जो रिकेट्स है बेटा क्वेश्चन आ सकता है यह पूछा गया है एस एस में बहुत बार पूछा गया है कि ये जो रिकेट्स है माइडियर रिकेट्स रिकेट्स कैरेक्टराइज बाई रिड्यूसड रिड्यूसड ग्रोथ एंड सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स ग्रोथ ग्रोथ कम होती है और बोनस जो है वो soft हो जाते हैं yes, ये में, ये ये बच्चों बच्चों में, में 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 नहीं नहीं, पाया पाया जाता है, पाया जाता है है बेटा, ड्यू टू लैक ऑफ वाइटमिन चिल्ड्रन डेवलप वेरी थिन इससे क्या होता है वेरी थिन बोन्स होते हैं डिफॉर्मड उनकी शक्लें बिगड़ी हुई होती है एंड बोव बैकबोन यानी के, है ना बैकबोन झुका के स्मॉल थिन बोन्स ऑकवर्ड पोजिशनड बोन्स राइट तो यह किससे होता है यह रिकेट्स से होता है बेटा आई होप बेटा आपको समझ आ गया रिकेट्स की डिजीजने आ सकता है इसलिए इसको याद रखेंगे बेटा तो रिकेट्स इज द फर्स्ट डिजीज दैट इज रिलेटेड विद वाइटामिन डी ओके नंबर नेक्स्ट ये तो ये जो ऑस्टो ऑस्टियोमलेशिया है इट इज अडल्ट इट इज इट इज डल अब देखिए बेटा ये जो ऑस्ट्रियो मलेशिया ऑस्ट्रियोलॉजी वी स्टडी बोन्स ऑस्ट्रियोलॉजी स्टडी ऑफ बोन्स ऑस्ट्रियोलॉजी स्टडी ऑफ बोन्स राइट तो ऑस्ट्रियो मलेशिया जो है इट इज एक्चुअली सिमिलर टू द रिकेट्स बट इज यूजली सीन इन द एल्डरली पीपल

बोनस विल नॉट फॉर्मेट इन प्रॉपरली राइट तो जिसकी वजह से बोनस सॉफ्ट पड़ जाते हैं डिफॉर्म बोनस पाए जाते हैं स्ट्रक्चर बेंडिंग ऑफ द स्पाइनल कार्ड हो जाता है एंड लेग्स एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ फ्रैक्चर्स तो इन पेशेंट में फ्रैक्चर होने का बहुत ज्यादा चांसेस होता है जब सो बोन सॉफ्ट हो गए जब बेंडिंग स्ट्रक्चर आ गया तो खतरा रहता है कि फ्रैक्चर में खतरा रहता है तो इसलिए ऑस्ट्रोमेलेशिया को भी आप याद रखेंगे चलिए भाई आगे बढ़ते हैं एंड देर इज अनदर डिजीज माई डियर दैट यू दैट इज ऑस्टियोपोरोसिस बोन में सुराख होना ठीक है ना बेटा ये देखो ऑस्टियोपोरोसिस ये जो ऑस्टियोपोरोसिस है ये कॉमनली एल्डरली पीपल में पाया जाता है जहां पे बोन डेंसिटी कम हो जाती है मेकिंग इट मोर पोरस <laughs> छेद पड़ जाते हैं बोनस में अल्लाह ताला बचाए इन नेचर एंड काजिंग इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्रूकन बोन एंड फ्रैक्चर्स जिसकी वजह से आ, बोन में खतरा होता है कि फ्रैक्चर होने का खतरा होता है ओके अपार्ट फ्रॉम दिस अपार्ट फ्रॉम दिस जो हमने रिकेट्स की बात की अस्टोमलेशिया की बात की अस्टो की बात की अदर देन दैट अगर विटामिन की लेवल पुअर होगी पुअर विटामिन डी इन द बॉडी इट मे आल्सो बी प्रोन टू हमारे बॉडी में इंफेक्शन का खतरा होगा uh, साल-साल जो वाउंड है वो हील अप नहीं होंगे यानी रिड्यूस वाउंड हीलिंग काज थकावट होगी फैटीग एंड वीकनेस ठीक है बेटा तो ये थे कुछ सिम्टम्स uh, आगे भी देखते हैं सिम्टम्स क्या क्या है ओके नाउ दिस इज दिस इज वेरी मच कॉमन नाउ इट इज इट इज हेयर लॉस इट इज हेयर लॉस हेयर लॉस को क्या कहते हैं इट इस गॉल्ड एलोपीकिया एरिटा एलोपीसिया बोलो या एलोपीकिया बोलो एरिटा वट जो भी आप बोलोगे इट इज हेयर लॉस वाइल मेनी फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू हेयर लॉस न्यूट्रन डिफिशंसी इज वन ऑफ ठीक है ना ए स्टीप डिक्रीज इन लो वाइटमिन डी लेवल काज इज एलोपीसिया एरीटा एंड ऑटो इम्यून डिजीज कैरेक्टराइज बाई सीवियर हेयर लॉस It is autoimmune disease, immune system based Sma involved beta. So vitamin D levels have an अपोजिट रिलेशनशिप विद नो स्कैरिंग हेयर लॉस विच इम्प्लाइड ना इतना याद रखने की जरूरत नहीं है बिल्कुल आप याद रखोगे इससे अगर वाइटामिन डी की कमी होगी तो इट इज ऑल्सो रिलेटेड विद हेयर लॉस एंड हेयर लॉस को क्या कहते हैं एलोपीसिया एरीटा एलोपीसिया एरीटा तो ये आप याद रखेंगे बाकी आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है इनशाला इस में से आएंगे एंड वन मोर वन मोर वन मोर टूडे इट इज नाउ इट इज वेरी कॉमन सो टाइप टू डिजीज Type 2 diabetes, type 2 diabetes. Vitamin D plays a large role in improving the body's sensitivity to insulin. के द हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल इंसुलिन रेजिस्टेंस इज अ मेजर कॉज ऑफ टाइप टू डायबिटीज नॉन बैलेंस कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड अब नॉर्मल ब्लड प्रेशर प्रिजर्वेशन ऑफ इंसुलिन सिक्रीशन एंड इंक्रीजिंग इंसुलिन सेंसिटिविटी आर अमंग मेनी हेल्थ बेनिफिट दैट वाइटामिन डी ऑफर्स तो वाइटामिन डी से देयर विल बी इंक्रीजिंग इंसुलिन सेंसिटिविटी तो इसका मतलब है इट इज सम हाउ रिलेटेड विद वट अगर विटामिन डी की डिफियंसी होगी तो इंसुलिन सेंसिटिविटी डिक्रीज होगी विद रिजल्ट इट मे लीड टू व्हाट टाइप ऑफ डिजीज टाइप टू डिजीज आई होप बेटा यू गॉट माय पॉइंट सो टाइप टू डिजीज इज आल्सो रिलेटेड विद व्हाट डिफिशंसी ऑफ विटामिन डी आई होप बेटा

टेड विद वॉट डिफिशंसी ऑफ वाइटमिन डी तो डिफिन्सी ऑफ वाइटमिन डी सो अगर वाइटामिन डी लेवल कम होगी ना तो इसमें मेमोरी लॉस का खतरा होता है बट इट इज सीन इन

is part of पेड बैच तो जैसा कि आप जानते हैं मैंने ऑलरेडी पेड बैच लॉन्च किया है सात आठ लेक्चर्स हो गए हैं इफ यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड वेरी मच इंटरेस्टेड माय डियर आप भी मेरा क्लास ज्वाइन कर सकते हो आपको सिंपली मेरा नंबर जो है डायल करना है एंड व्हाट इज माय नंबर एग्जैक्टली इट इज सेवन सेवन एट जीरो रियली फील द डिफरेंस माइडियर you will really enjoy not only enjoy you will get what you want to get okay thank you may bless you and keep always learning